क्या बात है भाई, जियो की जियो ने फिर से धमाका कर दिया है। जियो के 50 रुपीस के डिस्काउंट वाउचर वापस आ चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जियो के जो 50 रुपीस का डिस्काउंट वाउचर था जो पहले 1-2 साल पहले आपको मिल रहा था, वही वाउचर अभी वापस भी आ चुका है। अगर आपको पता हो तो 2 साल पहले हम जब भी रिचार्ज करते थे तभी हमें 50 रुपीस का डिस्काउंट वाउचर मिल जाता था, उसी वाउचर को हम यूज़ कर पा रहे थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जियो ने वो वाउचर वापस हमसे लेना शुरू कर दिया और सभी यूजर के पास जितने भी वाउचर थे उन सभी को एक्सपायर भी कर दिया। लेकिन अब फिर से 2021 में वही वाउचर वापस आ चुके हैं और अच्छी बात तो ये है कि ऑल यूजर के लिए वापस आ चुके हैं। जी हाँ, कोई भी जियो यूजर इसको यूज़ कर सकता है, इस वाउचर को, इस ऑफर को एक्टिवेट कर सकता है। और इतना नहीं, इसके अलावा भी जियो ने एक धमाकेदार ऑफर दिया है कि ये वाउचर सभी प्लान पर अप्लाई रहेंगे। जी हाँ, आप चाहे छोटा अमाउंट का भी प्लान रिचार्ज करिए या फिर आप बड़ा अमाउंट का भी प्लान रिचार्ज करोगे तभी भी ये वाउचर अप्लाई हो जाएंगे। यही बात सुन के तो मैं भी चौंक गया कि जियो का वाउचर भी वापस आ चुका है और कोई भी प्लान पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और यही मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़े से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से एक लाइक कर देना। ठीक है, चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये ऑफर क्यों आई है, कैसे आई है और कैसे एक्टिवेट करना है, वही मैं आपको सारे स्टेप भी बताऊंगा और लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये ऑफर आ रही है जियो ऑटो पे की वजह से। आपको पता हो तो जियो ने अपना जो ऑटो पे सिस्टम है उसको लॉन्च किया है, उसी की वजह से हमें ये वाउचर मिल रहा है। तो इस वीडियो में आपके सामने लाइव करके भी दिखाऊंगा, और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आप सभी को वाउचर ले लेने हैं और हर रिचार्ज में आपको 50-50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो एक आर्टिकल है जियो की तरफ से, ये ऑफिशियल हम वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर ऑफर में बताया गया है कि आपको कुछ इस तरह के वाउचर मिल रहे हैं, उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन भी मिल रही है, वही आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और वो मैं आपके सारी टर्म एंड कंडीशन वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो जैसे आप इस आर्टिकल पर आएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको 600 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, जहाँ पे आपको 12 वाउचर मिलेंगे, हर वाउचर की वैल्यू रहेगी 50 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब आपको 12 वाउचर मिलेंगे, हर वाउचर की कीमत रहेगी 50 रुपीज़। तो हम 12 बार 50-50 करें तो 600 रुपीज़ का टोटल कैशबैक होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल 600 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिलेगा। और कौन से प्लान पे अप्लाई रहेगा तो वहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, आप 309 से कोई भी प्लान या फिर उससे ऊपर का कोई भी प्लान आप चाहो तो रिचार्ज कर सकते हो, उन सभी पे भी अप्लाई होगा। और 309 से आप कम वाले प्लान पे भी अप्लाई होगा, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, मिलेगा सभी को। तो आप मान के चलिए कि आपके अगर आपको रिचार्ज करना है 309 या फिर उससे ऊपर का कोई भी प्लान आपको रिचार्ज करना है तो आपको ये वाउचर अप्लाई हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अब आपको छोटा प्लान पे भी ये वाउचर अप्लाई करना है तो इसके लिए आप इसी आर्टिकल में थोड़ा नीचे जाओगे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको एक और ऑफर आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पे आपको लिखा आ रहा होगा 240 रुपीज़ का आपको टोटल कैशबैक मिलेगा। जी हाँ, आपको इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि आप 149 का भी प्लान रिचार्ज करोगे तो भी ये प्रोमो कोड ये डिस्काउंट वाउचर अप्लाई तो ज़रूर होंगे, लेकिन कैशबैक आपको कम मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, अगर आपको छोटे अमाउंट का भी प्लान रिचार्ज करना है तो भी डिस्काउंट वाउचर तो आपको जरूर से मिलेंगे। इसके लिए आपको मिलेंगे 240 रुपीज़ तक का टोटल कैशबैक, और इसमें हर और ऐसे करके आपको 12 वाउचर मिलने वाले हैं, जहां पे हर वाउचर की कीमत रहेगी 20 रुपीज़। तो मतलब आप 20 रुपीज़ हर रिचार्ज में डिस्काउंट लगा सकते हो। ये 149 से स्टार्ट होकर 308 जो लास्ट में जियो का ये प्लान आता है वहाँ तक आप 20 रुपीज़ का डिस्काउंट ले सकते हो। इसके अलावा आप इससे ऊपर का कोई भी प्लान अप्लाई करोगे तो आपको 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे ऑफर को एक्टिवेट करना है, कैसे आपको वाउचर मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मैं लाइव करके ही दिखा देता हूँ ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है माई जियो ऐप्स में, और माई जियो ऐप्स में आप जैसे ही जाओगे, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़े से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट ऑफर रहती है वो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, चाहे वो स्पेशल रिचार्ज से रिलेटेड हो या ऐसी कोई भी स्पेशल ऑफर रहती है, या जहाँ पे आपको रिचार्ज पे 100 रुपीज़ का भी कैशबैक मिल जाता है, ऐसी ऑफर मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही अपना माई जियो ऐप्स ओपन करोगे इसके बाद आपको ऊपर के सर्च बार का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद आप चाहो तो वहाँ पे सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट जियो ऑटो पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, वरना आपको मोबाइल वाले सेक्शन पे जाना है और थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको जियो ऑटो पे सेटअप करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि आपको कहाँ से ऑटो पे सेटअप करना है, तो सबसे पहला ही ऑप्शन आ रहा होगा जियो पे सेटअप, तो सिंपली वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। वैसे वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे इसके बाद आपको 600 रुपीज़ का ये बैनर देखने
को मिल जाएगा कि इस ऑफर में आपको 600 रुपीस का कैशबैक मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इसकी सारे टर्म एंड कंडीशन अभी मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको लाइव करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे देखोगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक अकाउंट या फिर UPI का, तो मतलब आप इन तीनों से कहीं से भी आप अपना ऑटो पे सेटअप कर सकते हो। ऑटो पे में अभी आपको UPI का भी ऑप्शन आ रहा है। UPI का ऑप्शन सिर्फ इसलिए आप आ रहा है कि आपको पता हो तो रिसेंटली एक UPI की तरफ से एक अपडेट आया था कि अगर आप जियो UPI में आप चाहो तो 2000 रुपीस तक की लिमिट में आप ऑथोराइजेशन ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। इसका मतलब यही होता है कि आपको 2000 तक की लिमिट की वजह से आप किसी को भी ऑटोमेटिक पेमेंट कर सकते हो। अगर आप एक बार सेटअप कर दोगे तो जियो UPI परमिशन देता है कि 2000 रुपीस तक एक बार आप परमिशन सक्सेसफुल दे देते हो तो आप हर बार 2000 रुपीस तक कोई भी आपके अकाउंट से काट सकता है, ठीक है। इसी का जियो ने भी फायदा उठाया है और इसी के लिए जियो UPI का भी ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे कि आप UPI से अपना ऑटो पे सेटअप कर सकते हो। चलिए मैं भी अभी फिलहाल OTP से UPI से ही कर रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और जैसे आपको आगे कंटिन्यू करना है UPI से करने के बाद, ठीक है। आप जैसे ही अपना UPI सेलेक्ट करोगे इसके बाद आपको आपको प्लान सेलेक्ट करने को बोला जाएगा कि आप कौन से प्लान लेना चाहते हो। जैसे मैं वहाँ पे 555 वाला लेता हूँ, आप अपने हिसाब से आपको जो भी प्लान ठीक लगता है वो सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप 2000 से ऊपर का कोई भी प्लान सेट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे 2000 तक की ही UPI की लिमिट है। इसीलिए जो आप साल भर का प्लान सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको इनमें से कोई प्लान सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं 555 वाला ही प्लान सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करता हूँ। आगे इसके बाद आप देख सकते हो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप पेटीएम UPI यूज़ कर सकते हो या फिर ऑफिशियल एक भीम की UPI ID है उसी को भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ़ोनपे UPI या फ़ोनपे या फिर गूगल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पता नहीं भाई जो कि पार्टनरशिप शायद नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे आप पेटीएम UPI और ये ऑफिशियली भीम UPI दोनों में से आप कहीं से भी सेटअप कर सकते हो। है लेकिन फ़ोनपे और गूगल पे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके अलावा और भी अदर्स UPI का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है वहाँ पे। अभी आप सिर्फ दो ही ऑप्शन देख सकते हो, पेटीएम या फिर ऑफिशियली भीम। इसके अलावा आपको और कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। तो और थोड़ा आप नीचे जाओगे तो वहाँ पे एक नोटिस है, वहाँ पे आपको साफ साफ बता रहा है जियो के, वहाँ पे बताया गया है कि इसमें आपको 2000 तक ही लिमिट सेट कर सकते हो, इसे ऊपर की आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये तो मैंने आपको बता दिया कि UPI की वजह से हम 2000 की ही लिमिट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपके अकाउंट से 1 रुपया काटा जाएगा जो आपको रिफंडेबल रहेगा, मतलब टेस्ट करने के लिए 1 रुपीस आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद आप चाहो तो वो अमाउंट जो भी आपके पास जो काटा गया है उसको वो जियो रिफंड भी कर देगा। और इसके अलावा आप नीचे देख सकते हो कि आप जो भी इसमें एक्टिवेशन करोगे उसको आप बाद में चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे पेटीएम में एक नोटिफिकेशन चला गया होगा। मैं तो सबसे पहले आपको पेटीएम में आ जाना है और पेटीएम आपको ये नोटिफिकेशन मिल चुकी होगी। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये परमिशन जियो इस वजह से आपको 2000 रुपीस भी काट रहा है, आपको ये परमिशन देनी है। तो हाँ हमें देनी है, तो हमें जो भी अपना UPI पिन सेटअप किया है वो पिन हमें दे के पेमेंट सक्सेसफुल कर देना है। जैसे ही आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर दोगे तो वहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ जाएगा और उसके बाद आपको डायरेक्ट चले जाना है MyJio में। आप MyJio में आ जाओगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब आपका ऑटो पे सेटअप हो चुका है कम्प्लीटली, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है, हम बैक कर लेते हैं और माई वाउचर वाले सेक्शन पे जाते हैं और हमारे वाउचर देखते हैं। जैसे ही आप अपना माई वाउचर वाले सेक्शन पे जाओगे तो आप देख सकते हो मुझे ये वाउचर मिले चुके हैं जो 12 वाउचर है और हर वाउचर की वैल्यू है 50 रुपीस, और मतलब आपको 12 टाइम तक फ्री में 50-50 रुपीस का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा किया है इस बार जियो ने कि हमें फ्री में 50-50 रुपीस का डिस्काउंट मिल रहा है। देखो आप समझ सकते हो, आप पेमेंट आप खुद करो या फिर जियो खुद आपको करके दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा वैसे भी पैसा तो कटता ही है। लेकिन अगर जियो करके हमें दे और उस पर हमें 50 रुपीस का डिस्काउंट दे तो हमें क्या दिक्कत क्या रहेगी, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा हर मंथ, जब भी हमारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा, उसमें आपको 50 रुपीस का डिस्काउंट भी लगा देगा जियो। ये सब कुछ जियो ही कर देगा, आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप प्लान रिचार्ज करने जा रहे हो 555 रुपीस का, तो आपको वहाँ पे 50 रुपीस माइनस हो जाएंगे और 505 रुपीस का आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको हर बार 50 रुपीस का डिस्काउंट मिलता रहेगा 12 बार तक। इसके मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे प्लान मॉडिफाई करना है और या फिर कैंसिल करना हो तो आपको वो ऑप्शन भी क्या क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपको फिर से ऑटो पे वाले सेक्शन पे जाना है और इसमें आप सारा कुछ आपको डिटेल वहाँ पे बताई जा रही होगी, आपने ये प्लान सेलेक्ट किया है और ये इस डेट को आपने सेलेक्ट किया है,
स्टेटस आप देख सकते हो, अप्रूवल आ रहा है। इसके अलावा ऊपर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक मॉडिफाई का भी ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहो तो इसमें प्लान वगैरह मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप कुछ और प्लान सिलेक्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक कैंसिल का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्या आप आर यू श्योर हो कि आपका जो ये सेटअप किया है अभी आपने उसको कैंसिल करना चाहते हो। अगर आप कैंसिल करते हो तो अभी आपको जो 12 वाउचर मिले हैं वो आपके अकाउंट से वापस काट लिए जाएंगे इमिजिएटली, ठीक है। तो मतलब अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो जो भी आपका 12 वाउचर मिले हैं वो आपके अकाउंट से वापस वो ले जाएगा, तो इसके बाद आपको कोई भी वाउचर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चाहे तो ट्रिकें लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारा बग और ट्रिक भी मिला है, तो आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूँ, इसके अलावा इसमें भी बहुत सारी ट्रिक हैं उसको मैं आपको अप्लाई करके दूँ, तो आप मुझे कमेंट करना। बहुत सारे अगर कमेंट आएंगे तो मैं ये भी करके दूंगा कि आप इसमें क्या क्या ट्रिक लगा सकते हो, उनको भी अप्लाई कर सकते हो, आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे होने वाला है। तो ठीक है, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो आपको पता है सब्सक्राइब कर लेना, ये एकदम फ्री होता है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और इसके पास बेल का आइकन होगा उसको ज़रूर से प्रेस कर दें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आपको लेटेस्ट ऑफर और भी बग्स ट्रिक वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं।